Hello dear students my name is Lakhi Aujan I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS we have completed 17 chapters and today we are going to start chapter eight, chapter number 18 and this chapter is named as different टाइप्स ऑफ हाउसेज सो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड टूडे वी आर स्टार्टिंग पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर तो प्यारे बच्चों हमने अब तक कक्षा पाँच के ई वी एस में सत्रह अध्याय पूरे कर लिए हैं और आज हम अट्ठारवा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और इस अट्ठारहवें अध्याय का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज यानी घरों के अलग अलग प्रकार और आज हम इस अध्याय का पहला भाग यानी परिचय पढ़ना जा रहे हैं सो so यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड यू समर कच्चा एंड समा हाउसेस तो बच्चों आप सभी अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घरों को देखते हैं तो कुछ घर आपको कच्चे घर नज़र आते हैं और कुछ घर कैसे होते हैं पक्के घर होते हैं तो आप जानते हैं कि जो घर सीमेंट से बने हो पत्थर आदि से बने हों वो कैसे होते हैं पक्के घर होते हैं लेकिन जो मिट्टी से बने घर होते हैं उन्हें हम कच्चा घर कहते हैं सिंगल स्टोरीड स्टोरीड और मल्टी कुछ घर जो होते हैं वो एक मंजिला होते हैं और कुछ घर कैसे होते हैं बहुमंजिला होते हैं तो ये एक मंजिला घर है और ये बहुमंजिला वेरियस टाइप्स ऑफ मटीरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाउसेज बिल्कुल किसी भी घर को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सामान चाहिए होते हैं तो कई सारे अलग अलग मटीरियल कंस्ट्रक्शन के, के लिए चाहिए होते हैं यानी घर के निर्माण के लिए चाहिए होते हैं नाउ सम ऑफ द हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अ वेरी मच ग्रैंड एंड अट्रैक्टिव लाइक पैलेसेस तो कुछ घर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो बहुत ही बड़े होते हैं और बिल्कुल महल के जैसे दिखाई देते हैं द हाउस इज पक्का और अच्छा हाउस देयर शुड बी अ प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट दिस विल की कच्चा और अ पक्का हाउस देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट तो बच्चों घर चाहे कच्चा हो या पक्का हो वहाँ क्या उपलब्ध होना चाहिए वहाँ शुद्ध हवा और प्रकाश की उपलब्धता होनी चाहिए और इसी कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं यह शुद्ध हवा और प्रकाश जो हमारे घर में आता है यह हमें बीमारियों से बचाए रखता है ऑब्जर्व द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल सो यू यू हैव हैव टू टू डू ऑब्जर्व द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल बच्चों आपको अपने विद्यालय का जो भवन है जो बिल्डिंग है उसको ध्यान से देखना है द डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर सो दैट अलोंग विद लाइट द विल बी क्रॉसिंग ऑफ एयर तो बच्चों वहाँ आपके स्कूल में आपके विद्यालय में आप क्या देखेंगे कि जो दरवाजे हैं जो खिड़कियां हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये आमने सामने होने के कारण क्या होता है कि वहाँ बिल्डिंग में वायु प्रॉपर क्रॉस करती हैं यानी आ जा वायु के आने जाने का सही तरीका होता है और उसके अलावा वहाँ आसानी से अच्छे तरीके से प्रकाश भी आ पाता है तो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर अच्छे से खुले बड़े दरवाजे और खिड़कियाँ होते हैं आमने सामने होते हैं वहाँ वायु और प्रकाश की कोई समस्या नहीं होती नाउ यू हैव टू थिंक एंड आंसर तो बच्चों आपको कुछ बातें सोचनी हैं और जवाब देने की कोशिश करनी है फर्स्ट थिंग इज द रूफ्स ऑफ सम ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ पिंटाइल्स दैट इज खपरेल एंड बम्बू वॉट इज इट्स बेनिफिट टू द पीपल लिविंग इन दीज हाउसेज तो बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ घरों की जो छत होती है वो खपरेल की और बांस की बनी होती हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जो छत जिन घरों की बनी होती हैं उन घरों में रहने वालों को क्या फायदा होता है तो इस तरीके की छत जहां बनी होती है

वॉट एज़ द एडवांटेज ऑफ द स्लोपिंग रूफ देयर तो बच्चों जो डेज़र्ट एरिया होता है जो रेगिस्तान का इलाका होता है वहाँ काफ़ी तेज़ गति से हवाएं तूफान आते हैं तो ऐसी जगहों पर जो स्लोपिंग रूफ़ होती है यानी तिरछी छतें होती हैं तो वो तुर तिरछी सतह क्या कोई फ़ायदा पहुंचाती हैं सो ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो तो क्या ये जो तिरछी छतें होती हैं वो किसी प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकती हैं द थर्ड थिंग इज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस विच मटीरियल इज़ अवेलेबल इन योर एरिया एंड विच मटीरियल इज़ आउटसोर्स तो आपके आसपास घर को बनाने के लिए कौन कौन से निर्माण सामग्री उपलब्ध है यानी आपके घर के आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी निर्माण सामग्री आसानी से, से उपलब्ध हो जाती हैं और कौन सी सामग्री ऐसी हैं जो दूर से लानी पड़ती हैं आउटसोर्सिंग का मतलब है किसी चीज़ को दूसरी जगह से लेके आना तो ऐसी कौन सी निर्माण सामग्री हैं जो आपके घर के आसपास के क्षेत्र में नहीं मिलती हैं और लोग दूर दूर से लेकर आते हैं ना those areas in which the रॉक्स आर ईजीली अवेलेबल द रूफ्स एंड ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ रॉक्स बच्चों ये बिल्कुल आसान सी बात है कि ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर चट्टाने आसानी से उपलब्ध होती हैं उन सभी क्षेत्रों में जो वहाँ घरों की छतें हैं दीवारें हैं वो उन चट्टानों से जो पत्थर बनता है उनकी सहायता से बनाई जाती हैं द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ सेंड एंड ब्रिक्स इन दो एरिया वेर रॉक्स आर नॉट ईजी अवेलेबल तो ऐसे स्थान ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि ये चट्टाने आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं ऐसे क्षेत्रों में ईंटों की और बजरी की या मिट्टी की सहायता से ही छतों को बनाया जाता है तो सैंड और ब्रिक्स यानी कि बजरी और ईंटों की सहायता तब ली जाती है ऐसे क्षेत्रों में ली जाती है जहाँ चट्टानों की उपलब्धता या पत्थर की उपलब्धता नहीं होती है नावादेज द रूफ्स आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग द सीमेंट एंड कॉन्क्रीट इन अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आयरन रॉड्स दीज आर कॉल्ड आर सी सी रूफ तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि आजकल क्या होता है कि छत बनाने के लिए किसका उपयोग लेते हैं लोहे के रॉड्स का तो लोहे के बड़े बड़े रॉड्स में आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके के लोहे के रॉड्स लगाए जाते हैं और उनके बीच में सीमेंट और कॉन्क्रीट भरा जाता है तो पहले एक संरचना बनाई जाती है इस तरीके से लोहे के बड़े बड़े छड़ों से या रॉड्स से और इन लोहे की छड़ों के बीच में सीमेंट और कॉन्क्रीट को भरा जाता हैं और ऐसी छतों को क्या कहते हैं ऐसी छतों को आरसीसी रूफ कहते हैं आरसीसी छतें छते कहते हैं इन द एरियाज नियर द फॉरेस्ट एंड इन हिली इज़ अब ऑफ मोर वुड इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन दीज एरियाज़ तो बच्चों ऐसे क्षेत्र जहाँ जंगल हैं या जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्योंकि वृक्षों की अधिकता होती है वृक्ष बहुत सारे उपलब्ध होते हैं तो ऐसे स्थानों में घरों के निर्माण के लिए क्या किया जाता है वुड का उपयोग किया जाता है यानी लकड़ी का काफी अधिक उपयोग किया जाता है दिस डेज सम पीपल माइग्रेट फ्राम विलेज टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम आज कल की स्थिति की बात करें तो कई सारे लोग गाँवों से शहरों की तरफ जाते हैं क्यों जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की तलाश एम्प्लॉयमेंट के लिए या रोजगार की तलाश में ड्यू टू विच इन द सिटीज़ द लैंड अवेलेबलिटी इज लेस वेन कंपेयर टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल और इस कारण क्योंकि बहुत सारे लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं इस कारण शहरों में जो लैंड अवेलेबिलिटी है यानी भूमि की उपलब्धता है वो काफ़ी कम है जिस हिसाब से शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है या लोगों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से वहाँ पर भूमि की उपलब्धता काफ़ी कम है However everybody नीड्स अ हाउस टू लिव लेकिन ये सच है कि हर व्यक्ति को रहने के लिए घर चाहिए होता है द आर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू ईच अदर तो इस कारण क्या किया जा रहा है शहरों में घर काफी नज़दीक नज़दीक बनाए जाते हैं दिस इज़ द रीज़न दैट मल्टी स्टोरीड हाउसेज हैल्सो टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द बिग सिटीज और यही कारण है कि बड़े शहरों में मल्टी स्टोरीड हाउसेज यानी बहुमंजिला

एक ही होती हैं कॉमन होती हैं यानी सबकी अलग अलग छत नहीं होती है और जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी इसी छत का इस्तेमाल करते हैं सिमिलरली द एलिवेटर्स आर ऑल्सो कॉमन एंड यूज बाय ऑल द पीपल लिविंग हेयर और इसी प्रकार से छत की तरह ही जो सीढ़ियाँ हैं या एलिवेटर, एलिवेटर या लिफ्ट जो होती हैं वो भी सभी लोगों द्वारा एक साथ ही उपयोग ली जाती

थिंक एंड आंसर तो बच्चों आपको ये सोचना है कि क्यों कुछ लोग गाँव से पलायन करके शहर जाते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं सो यस दैर इज़ अ मेजर फैक्टर दैट दे जनरली गो टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं तो आपको पता करना है कि क्यों लोग गाँव से शहरों में जाकर रहना पसंद करते हैं सेकेंड थिंग वाई आर द मल्टी स्टोरीड हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन द सिटीज तो शहरों में क्यों मल्टी स्टोरीड हाउसेस बनते हैं क्यों बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं येस यू नो दैट बिकॉज दे आर इज लैक ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी और क्योंकि भूमि की उपलब्धता कम है रहने वालों की संख्या ज़्यादा है दिस इज़ द रीज़न फाइव मल्टी स्टोरीड हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड इन द सिटीज दैन थर्ड थिंग वॉट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन द साइज एंड एक्सटेंशन ऑफ द हाउसेज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लैंड इन द सिटीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि शहरों में जो भूमि की उपलब्धता है वो काफ़ी कम है उसकी काफ़ी कमी है तो जो शहरों के घर हैं उनके आकार पर क्या प्रभाव पड़ा है तो बिल्कुल शहरों के घरों के जो आकार हैं वो गांवों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं तो साइज ऑफ़ द हाउसेस इन सिटीज इज़ एक्चुअली स्मॉलर इन कंपैरिजन टू विलेजेस बिसाइड दिस यू आल्सो नो दैट दैट

कॉमन रूफ फॉर ऑल द हाउसेज इन अ मल्टी स्टोरी मस्ट बी यूजिंग अ कॉमन तो किसी भी बहुमंजिला इमारत में कॉमन छत होती है यानी सभी के लिए एक ही छत होती है तो वहां रहने वाले लोग इस तरीके की छत का कैसे इस्तेमाल करते होंगे ये आपको सोचना है बच्चों कि ऐसी छत जो सबके लिए एक ही है क्या उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि छत बहुत बड़ी हो जाएगी ना क्योंकि सबके लिए एक ही छत है सो दे आर हैविंग अ लार्ज रूफ सो इफ़ दैट रूफ कैन बी यूटिलाइज इन सम स्पेसिफिक मैनर आपको सोचना है कि क्या उस छत का कोई विशेष उपयोग वो लोग करते होंगे सो स्टूडेंट दिस वॉज ऑल फॉर दिस पार्ट वी विल बी कंटिन्यू लर्निंग ईवीएस इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग